मुंबई प्रदेश मानवाधिकार कांग्रेस कमेटी के उमाकांत कोरी हमारे साथ में हैं। आज के प्रोग्राम के ताल्लुक से बताइए सर। आज का जो ये प्रोग्राम हमारा है कांग्रेस पार्टी की तरफ से, जो राफेल घोटाला जो बीजेपी सरकार ने किया है, उनके राज्य में जो आज घोटाले पे घोटाले हो रहे, इसके पहले भारत में कभी घोटाला हुआ ही नहीं और इस तरीके का कभी घोटाला ना भारत के लोगों ने देखा है ना तो कभी सोचा है। आज भारतीय जनता पार्टी के लोग, भारतीय जनता पार्टी घोटाले पे घोटाले किए जा रही है, हर महीना पेट्रोल डीजल बढ़ाई जा रही है, लेकिन लोगों के प्रति अन्याय ही अन्याय कर रही है। आज मेरा आप लोगों के माध्यम से आज मैं लोगों को बोलना चाहता हूँ कि बीजेपी सरकार ये भूल चुकी है कि इन्हीं कांग्रेस के इन्हीं लोगों ने उनको आज सरकार में लाया है, तो इन लोगों के प्रति सरकार की जवाबदारी बनती है कि इन लोगों की सुविधाओं को देखा जाए। और ये सरकार का मुद्दा था कि सबका साथ सबका विकास, आज ना तो किसी का साथ है ना तो किसी का विकास है, आज ये विकास के नाम पे सिर्फ घोटाले कर रहे हैं। आज इस घोटाले को अगर रोका नहीं गया तो भारत देश गुलाम होने से कोई बचा नहीं सकता है। तो आज हम लोगों का एक संजय निरुपम साहब के नेतृत्व में हमारा जो मोर्चा रहा है, हमने काफ़ी सफल किया है, ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में हमारे लोगों ने अपने आक्रोश दिखाए हैं और पेट्रोल डीजल के खिलाफ जो आवाज़ हमको उठानी चाहिए, तो घोटाला तो ठीक है, हमारे लोगों को जागृत करना हमारा एक माध्यम था। आज इस घोटाले के प्रति हम लोगों को जागृत करें कि देखो देश वालों, आज वक्त है सुधर जाओ, अगर आज नहीं सुधरे कल सुधरने का मौका नहीं मिलेगा। आज भारतीय जनता पार्टी सिर्फ लोकतंत्र की हत्या कर रही है, आज लोगों के प्रति आज अन्याय हो रहा है। आज हर आदमी, हर शख्स आज परेशान है, आज भी गरीब किसान, हमारे देश में कई सारे लोग अनाज एक वक्त के खाने के लिए मोहताज हो रहे हैं। आज भारतीय जनता पार्टियों ने लोगों के साथ वादे किए थे कि हर घर में हम लोग हर तरीके की सुविधाएं देंगे, लेकिन सुविधा के नाम पे लूटपाट चालू है और भारत देश के प्रति सिर्फ अन्याय ही अन्याय और लूटपाट और अत्याचार चालू है। हमारा ये कोशिश है, कांग्रेस पार्टी का ये अपना विचार है कि कांग्रेस पार्टी इस बीजेपी पार्टी के घोटाले को बदलने में पूरी तरह से सहयोग दे रही है और पूरी तरह भारत देश के लोग कांग्रेस पार्टी के साथ में। ठीक है, जय हिंद। आज जो 4.5 साल हो गए मोदी जी की सरकार है, भाजपा सरकार है, वो देश में जो पहले जो वादे किए थे अच्छे दिन के, अभी तो बुरे दिन आए हैं। आज देखने जाओगे तो डीजल पेट्रोल का भाव जो था आकाश को भिड़ गया है। आज गरीब आदमी जो जीना चाहता है उसे जो भी ये डीजल पेट्रोल के निर्धारित रहता है, क्योंकि जो ट्रांसपोर्ट रहता है उसके आधार पर सभी सब्जी या कोई भी वाहतूक के आधार पर उनको प्राइस लगाई जाती है। आज जो ये हमारे राहुल गांधी ने, बॉम्बे के अध्यक्ष हमारे संजय निरुपम जी ने राइफल विमान घोटाले के बारे में जो ये आंदोलन रखा था, इस आंदोलन में हमें संदेश देना चाहते हैं, क्योंकि इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि इतना बड़ा महाघोटाला जो कि उसकी प्राइस उस समय की क्या थी, आज देखने जाओगे तो उसकी तिगुना प्राइज हो गई है। तो इस देश में ऐसी हालत है और पूरी हिटलरशाही चालू है, कोई ऐसा नहीं है कि भाई कोई आज़ादी से जी रहा है या कुछ करना चाहता है तो उन्हें तुरंत कौन से बहाने में उसे अपने ग्रिप में लेने की कोशिश ये सरकार कर रही है। महाराष्ट्र की सरकार हो, केंद्र की सरकार हो, वो लोगों को गुमराह करने का काम कर रही है, सिर्फ दिखावा कुछ नहीं। बेरोजगार आज देख रहे क्या है हालत, बेरोजगारों की हालत क्या है। जो भी अच्छे वादे किए थे, काला धन लाने का वादा किया था, काला धन तो रह गया लेकिन गरीबी बेचारे बैंक की लाइन लगा के मर गए। आज जो माल्या हो या ये मोदी हो, जो पैसा लेके अपने बैंक करोड़ों रुपया लेके यहाँ से भाग गए, अरे माल्या ने तो 35 करोड़ का चेक दे के भागा है, जो कि हमारे पास प्रूफ है, पुरावा है, भाजपा पार्टी को चेक दिया है डोनेशन में और चेक देकर वो यहाँ से चला गया। वो तो बोलता मैं फाइनेंस मिनिस्टर को मिल के गया हूँ, बता के गया हूँ। ये कैसी सरकार है, उसके ऊपर कुछ कानून होना चाहिए क्या? नहीं, हम जिस क्षेत्र से आते हैं, हम लोग चांदौली से आए हुए हैं, यहाँ पे माननीय मोहम्मद आरिफ नसीम खान के नेतृत्व में हमें यहाँ पे बुलाया गया था, हम लोग कार्यकर्ता के नाते यहाँ पे आए हैं, लेकिन हमारी ये जो भावना है, ये भावना आप जो पहुँचा रहे देश में, तो मैं कहना चाहूँगा ये सरकार भ्रष्ट है। जो उन्होंने जो वादा किया था कि पहली सरकार थी भ्रष्टाचारी थी, उससे भी 10 गुना ये भ्रष्टाचारी है। थैंक यू।
इन्हें जो है इस्तीफा दे देना चाहिए जो है। बस बस धन्यवाद। मैं अपने अपने अध्यक्ष मैं यही बात करना चाहता हूँ कि मैं अपने अध्यक्ष आदरणीय संजय निरुपम जी के द्वारा जो आज इस महा बहुत बड़े रैली का जो उन्होंने मोर्चे का जो उन्होंने प्रोग्राम उन्होंने जो किया नेतृत्व किया और महाराष्ट्र के जो अध्यक्ष हैं हमारे आदरणीय अशोक चव्हाण जी जो उन्होंने महाराष्ट्र का जो उन्होंने नेतृत्व किया उन सभी का मैं शुक्र अदा करता हूँ। और मैं अपने अपने आदरणीय मुंबई अध्यक्ष जनार्दन सिंह जो मुंबई अध्यक्ष हैं और मेरे जो ऑर्गेनाइजेशन है कांग्रेस की जी ऑल इंडिया अनऑर्गेनाइजेशन वर्कर कांग्रेस का मैं तालुका प्रेसिडेंट के तरफ से मैं अपने सभी मुंबई वासियों का और इस क्षेत्र के लोगों का धन्यवाद देता हूं कि जिन्होंने बहुत अच्छे तरीके से साथ दिया और तमाम मैं आपके जरिए जो आमना सामना न्यूज़ है उन सबका मैं शुक्र अदा करता हूं कि जिन्होंने इतने लंबे वक्त तक हम लोगों का मदद किया है। यहाँ पर हम लोगों को आप लोगों ने हाई कवरेज दिया उसके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ और उम्मीद करता हूं कि ऐसे कई कार्यक्रम होंगे जब तक मोदी जी को हम लोग उखाड़ कर इस देश से फेंक नहीं देते हैं तब तक हम लोग ऐसे हम भारत माँ की कसम खा के बोलते हैं जब तक मोदी जी को और मोदी के सरकार को हम 2019 में सबक नहीं सिखाएंगे तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। और हम आपके न्यूज कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी आगे बढ़ो राहुल गांधी आगे बढ़ो तुम्हारे साथ कांग्रेस पार्टी हम आपके आमना सामना न्यूज के तरफ से मोदी जी को एक ही बात बताना चाहते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप हमारी जो ये जो रैली थी उनका ये सारी चीज़ों का आप उन तक पहुँचाओगे उनकी कुर्सी को हिलाने की एक कोशिश जरूर हो गई होगी आज। तो हम चाहते हैं कि ऐसे कई कार्यक्रम संजय निरुपम आदरणीय अध्यक्ष मुंबई अध्यक्ष के जरिए ऐसे कई कार्यक्रम का आयोजन होगा और हम चाहते हैं कि आप उस कार्यक्रम में बाकायदा यहाँ शामिल होकर हम लोगों को ताकत प्रदान करें। धन्यवाद बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी दोस्तों का जो आप लोग यहाँ पे आए और निरुपम भैया का आपने इज्जत रखा। धन्यवाद।